अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स ग्रेड 7। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, पेज नंबर 123। हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रिक इक्वेशन। हम अलजेब्रिक इक्वेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे कि टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच आर कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ इक्वलिटी। मीन्स हमारे पास कोई सी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हों, उन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम आपस में इक्वल साइन के जरिए इकट्ठा लिखें, कनेक्ट करें, उनका आपस का रابطہ इक्वल साइन के जरिए हो जाए, और वो दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं विद एटलीस्ट वन वेरिएबल, उनमें कम से कम एक वेरिएबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें एक वेरिएबल कम से कम हो और उन दोनों को हम आपस में इक्वल साइन के ज़रिए कनेक्ट करें, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन फॉर्म एन एल्जेब्रिक इक्वेशन मीन्स एल्जेब्रिक इक्वेशन कहलाएगी। मिसाल के तौर पे नंबर एक हमने कहा है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5। नंबर टू यू स्क्वेयर प्लस 4u डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 12 माइनस u बाय 3। एंड नंबर थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2y प्लस 1। इन तीनों एग्जांपल्स में क्या खास बात है जो हम इन्हें एल्जेब्रिक इक्वेशन कहेंगे? पॉइंट जो हमने यहां से सीखने हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास? नंबर वन इज अननोन क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेरिएबल। इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास वेरिएबल कहलाएंगी। अननोन क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? पहली में भी आप देखें ए है, बी है, दूसरी एग्जाम्पल में U है हमारे पास, और तीसरे एग्जाम्पल में X भी है, Y भी है। ये अननोन क्वांटिटीज़ हैं, मीन्स इनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, ये हमारे पास वेरिएबल्स कहलाते हैं। नंबर दूसरी अहम बात, फिक्स्ड वैल्यूज़ आर कॉल्ड कांस्टेंट। इनमें वो वैल्यूज़ जो फिक्स्ड हैं, यानी जिन जो वैल्यू हमें पता हैं, जो वैल्यू अपना आप बताती है, वो कांस्टेंट कहलाती है। जैसे पहले वाले में हमारे पास 5 है, दूसरी वाली एग्जाम्पल में हमारे पास 12 है, तीसरी एग्जाम्पल में हमारे पास 1 है। तीसरी अहम बात, द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज द वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटीज। जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन इसका फाइंड करेंगे, तो सोल्यूशन में जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो बेसिकली जो अननोन क्वांटिटीज हैं उनकी वैल्यू होगी। नंबर फोर, सोल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। वो जो सोल्यूशन होगा जो कि हम इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हासिल करेंगे, वो हमारे पास उसी इक्वेशन का रूट भी कहलाएगा। यानी जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन का रूट। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर हमने वेरीफाई करना हो कि क्या वो इक्वेशन दुरुस्त है, क्योंकि इक्वल साइन के जरिए दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने लिखा हुआ है, तो हम बगैर किसी झिझक के जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसे अगर हम उसी इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए हैं। मिसाल के तौर पे अब आप देख लीजिए कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। इसमें पहली बात जो हॉर वाली है वो क्या है? जो अननोन क्वांटिटी है वो एक्स है, और इसलिए हम इसे वेरिएबल भी कहते हैं। दूसरी खास बात यह है कि 1 और 5 ये कांस्टेंट हैं आपके पास, ठीक है, ये बात भी हमें पता चल गई। अब तीसरी चीज वही बात आ गई कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू होगी वो ऑफकोर्स इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हासिल होगी। तो जब हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किया है, ये आप देख रहे हैं 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 1 के साथ जब हम प्लस 1
और इस साइड पे भी प्लस वन, इसका मतलब यह है चूंकि ये इक्वल साइन है तो हम जब भी जो अमल भी किसी एक साइड पे करेंगे हमें वही अमल दूसरी साइड पर भी करना होगा। यहां पर हमने चूंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस वन को हमें खत्म करना है, तो माइनस वन हमेशा खत्म होता है प्लस वन से। प्लस वन हमने खुद से ऐड किया है इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि इक्वल के इस साइड पे हमने प्लस वन ऐड किया है तो हम दूसरी साइड पे भी ऐड करते हैं। इस तरह हमारे पास माइनस वन और प्लस वन आपस में कैंसल हो जाते हैं और 3x इज इक्वल टू 5 प्लस वन विच इज इक्वल टू 6, मीन्स 3x इज इक्वल टू 6 हमारे पास आ गया। जब हमने इसे सॉल्व किया 3x में से भी वही बात है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 और x के दरमियान में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लाई का है और मल्टीप्लाई को खत्म करने के लिए डिवाइड इस्तेमाल किया जाता है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, जो अमल एक तरफ किया वही अमल हमने दूसरी तरफ किया। इस तरह 3 और 3 कैंसिल हो गए एंड 3 वन जार 3, 3 टू जार 6। इस साइड पे हमारे पास सिर्फ x बच गया, तो x इज इक्वल टू 2। हमने ये वैल्यू फाइंड की है, ये सॉल्यूशन है, और आपको मैंने ऊपर बता दिया था कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली अननोन क्वांटिटी की वैल्यू होगी। इस तरह x हमारे पास 2 आ गया। अब यही 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है और रूट भी कहलाता है। आई थिंक आपको एलजेब्रिक इक्वेशन की अच्छी सी समझ आ गई होगी। हमारे पास इसके बाद अगला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है? अ लीनियर इक्वेशन इज एन एलजेब्रिक इक्वेशन। ये एलजेब्रिक इक्वेशन है, एलजेब्रिक इक्वेशन आपको मैंने अभी बता दी, लेकिन ये कब लीनियर इक्वेशन कहलाएगी? कोई भी एलजेब्रिक इक्वेशन कब लीनियर इक्वेशन कहलाएगी? वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इज 1। ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर, किसकी हाईएस्ट पावर? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वो 1 हो। अगर वो 1 है तब वो एलजेब्रिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। हमारे पास बहुत प्यारी सी आसान सी एग्जांपल यहाँ दी गई है कि z माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इसमें वेरिएबल z है और z की पावर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, जहां कुछ नहीं होता वहां पर मीन्स 1 होता है, ठीक है। तो z की पावर चूंकि 1 है और इसमें z एक वाहिद ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल होना जरूरी है ना अलजेब्रिक इक्वेशन में, और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। 3y plus 2 is equal to 12, इसमें वेरिएबल 1 है और 1 की पावर y है, y की पावर 1 है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन है। 3s is equal to 6, s वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है। सेकंड नंबर पे हम इस चीज को क्या कह रहे हैं कि दूसरी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? 2x square plus 3 is equal to 4x, वेरिएबल इसमें x ही इस्तेमाल हुआ है लेकिन हमने हाईएस्ट पावर देखनी थी। इस x की पावर 1 है, इस x की पावर 2 है, तो 1 और 2 में हाईएस्ट 2 हो गई, जबकि हमने कहा है कि लीनियर इक्वेशन वो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। अब चूंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है। सेकंड एग्जांपल है 3x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 9, इसमें वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर क्यूब 3 है, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमने सेकेंड टॉपिक समझ लिया। थर्ड टॉपिक हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। द इक्वेशन इन विच ओनली वन वेरिएबल इज इन्वॉल्व्ड, ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो, एंड द मैक्सिमम पावर डिग्री आर एक्सपोनेंट, और उसकी बड़ी से बड़ी पावर, अब आप देखें इसे हम पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहीं पे इस्तेमाल करेंगे और कहीं पे इसके लिए हम एक्सपोनेंट का लफ्ज भी इस्तेमाल करेंगे, ऑफ द वेरिएबल इज 1, ठीक हो गई बात। ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, वन वेरिएबल, ठीक है, और उसकी मैक्सिमम पावर
वन हो तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी और उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है वो इस फॉर्म में लिखी जाती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसमें हमारे पास बी और सी कॉन्स्टेंट वैल्यूज होंगी, ए हमारे पास कोई सी भी वैल्यू होगी जो कि कॉफिशियंट कहलाएगी और x हमारे पास वेरिएबल है। इसमें सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमारे पास a, b और c थे कोई से भी नंबर तो हैं लेकिन हमेशा a इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों? अगर a की वैल्यू जीरो हुई तो आप खुद सोचें कि जब यहाँ a की वैल्यू जीरो लगाई जाएगी और जीरो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो सबका सब जीरो हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास वेरिएबल खत्म हो जाएगा। जब वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा तो वो तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगी और उसके अंदर जो एक वेरिएबल था वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास सिंपली क्या हैं कि एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन। अब आप देख लें कि इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और उस वेरिएबल की पावर वो भी वन ही है तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। 3a माइनस 6 इज इक्वल टू 9 एक ही वेरिएबल है, ठीक, और उसकी पावर भी वन है। थर्ड में 2 बाई 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर वन है। ये तीनों एग्जांपल्स हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए हैं। सेकेंड हमारे पास दिया है 6x क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 12। इसमें वेरिएबल तो 1 है यानी x एक ही वेरिएबल है लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई कि एक वेरिएबल है लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई क्योंकि हमें उसकी हाईएस्ट पावर 1 चाहिए है जो कि यहाँ पर नहीं है। और इसकी फॉर्म भी देखें, ये ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी यानी ए की जगह 6 आ गया, बी की जगह 5 आ गया और सी की जगह 12 आ गया, उस फॉर्म में भी लिखी हुई है। इसलिए वो तो ठीक है, फॉर्म में तो है लेकिन वो एक शर्त जो पूरी नहीं हो रही वो क्या है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्यूब है, 3 है। सेकंड नंबर पे है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 4a। वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ है, वो क्या है, a है लेकिन हाईएस्ट पावर उसकी 2 है, वो वाली बात भी पूरी नहीं होती। और इसकी जो फॉर्म है वो ax प्लस b इज इक्वल टू c वाली फॉर्म भी नहीं है इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये आपके पास ना तो ax प्लस b इज इक्वल टू c की फॉर्म में है और ना ही इसमें x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है जबकि यहाँ पर 3 है। इस तरह ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। आपका ये वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आप सारे बच्चे अपने पास पेज नंबर 124 पे एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।